तो इस फ़ोन को मैंने मंगाया है फ़्लिपकार्ट से और बजाज फाइनेंस की ईएमआई पे, तो वो भी बताऊंगा तरीका कैसे क्या होता है, कितना बेनिफिट है आज के टाइम पे, सब बताऊंगा। और ये फ़ोन इन्फिनिक्स का है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वैसे मैं इसको ओपन कर चुका था, यहाँ पे एक टेप लगा था, एक टेप यहाँ पे लगा था, दो जगह पे यहाँ पे टेप लगे थे, मैं आपको हटा के भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप फ्रेंड में ही आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे 8 GB रैम, मतलब इसमें टोटल तो लिखा है 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, मतलब आपको 8 GB मिल जाएगी क्योंकि 4 GB वर्चुअल रैम मिलेगी। 6000 mAh का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलो इसको हम ओपन कर देते हैं यहाँ पे, बाकी हम आपको दिखा देते हैं। मैं कोई बहुत वाला रिव्यू नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत टाइम लगाऊँ बताऊँ कि ये करिए, नहीं बस सिंपल सा दिखा रहा हूँ कि आप भी जैसे कि चाहते हैं, बस अगर नॉर्मली लेना तो आप ले सकते हैं, कोई वो वाला नहीं है सीन के ऐसे करो वैसे करो, तो इस तरीके से आगे से पन नहीं है, बैक साइड से ऐसे। और मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हूँ, एक हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई वाला नहीं कर रहा हूँ भाई, ड्रामा नहीं करूँगा कि बहुत अच्छा है ऐसे है वैसे, पर लग रहा देखिए कितना शाइन कर रहा है। मैं बैक साइड फ्लैश ऑन कर रहा हूँ, देखिए कितना शाइन कर रहा है, मतलब सनलाइट में और जहाँ पर लाइटिंग होगी वहाँ पर कितना शाइन करेगा। और देख सकते हैं 50 MP बैक कैमरा है और 8 MP की सेल्फी है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा इसी के अंदर, पावर बटन में और ऊपर वॉल्यूम अप डाउन, नीचे वाला टाइप सी केबल, 3.5 जैक भी है और एक सिंगल स्पीकर है। कुल मिला के दोस्तों बस यही है, और यहाँ पे सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको बूस्ट करते हैं, पैसों के हिसाब से फ़ोन बहुत अच्छा है जो मुझे पड़ा है, वो भी मैं आपको रेट बताऊंगा। बाकी फ़्लिपकार्ट की तरफ से ये आया है, अगर इसके और भी कुछ फीचर देखें तो कहाँ पे लिखे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखे हुए कि नहीं, क्योंकि इसमें तो वारंटी कार्ड मिल जाएगा आपको, 1 साल की वारंटी तो मिलनी है। चलिए अब तक ये बूस्ट हो रहा है, हम इसको यहाँ पर देख लेते, इसके अंदर देख लेते क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टाइप सी केबल है और यहाँ पर अडाप्टर है, अडाप्टर पे लिखा हुआ तो कहीं पे नहीं है, पर 18 वाट का अडाप्टर ही है, ये दो चीज़ भी मिली हैं। साथ ही साथ ये सिम कार्ड टूल है, मतलब जिससे सिम निकालेंगे। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये एक हार्ड केस है, देख रहे हैं प्लास्टिक का हार्ड केस है ट्रांसपेरेंट। तो कैमरा बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छे तरीके से ये भी बना है, सही है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर हम बैक साइड जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 6000 mAh बैटरी लिखी है, 18 वाट का फास्ट चार्जर लिखा है, 90 का लिखा है टच सैम्पलिंग, और यहाँ पे मैजिक रिंग, अच्छा मैजिक रिंग भी इसमें, सेंसर है, 4 GB है टोटल, 8 GB हो जाएगी यानी वल्चर के साथ। इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो है मीडियाटेक हीलियो G36 का, 50 MP बैक कैमरा है। अच्छा इतनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है इतने से बॉक्स में, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, तो मैं जल्दी से इसे सेटअप कर देता हूँ। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वैसे मैं फ्लैश मारे हुए हूँ, फ्लैश मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं लो लाइट में बैठा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, बट देखिए लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब सच में अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश बंद कर दिया, यहाँ पे कैमरा आपको दिखा रहा हूँ मैं, HDR 50 MP कैमरा है, और यहाँ पे स्लो मोशन ब्यूटी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, AR शूट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सही है यार ऐसों के हिसाब से। अच्छा कैमरे की क्वालिटी मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैमरे की क्वालिटी आपको साफ साफ दिख रही है, कैमरा अच्छा है नो डाउट। तो इसकी जो कीमत है दोस्तों वो पड़ी है 7800 रुपये, और इसको मैंने बजाज फाइनेंस से मंगाया था, तो 6 महीने की किस्त बंदी 1300 रुपये के करीब, तो 6 महीने में मैं अदा कर दूंगा। तो मतलब इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, मेरे पास कार्ड बना था तो मैंने ले लिया, अगर आप पास नहीं है तो आप कैश ही ले लीजिए, क्योंकि बस 7800 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस, इसकी कीमत है 7800 रुपये फ़िलहाल जैसा मैं ले रहा हूँ,
और 4 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, 4 GB वर्चुअल रैम मिल जाएगी, बैक साइड 50 MP है, 8 MP की सेल्फी है, तो सब कुछ है यहाँ पे, पैसों के हिसाब से अच्छा है। और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे डिस्प्ले के मामले में भी अच्छा है, 6.6 इंच की डिस्प्ले है जो HD है, तो डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों पैसों के हिसाब से अच्छा है, आप इसको चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं।